अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास में हम स्केचिंग से रिलेट सीखेंगे। आज हम क्या करेंगे कि हम कुछ क्रिएटिवली डिफरेंट शेप्स को यूज़ करके हम अब स्केचिंग करेंगे। तो आज हम जिस शेप में स्केचिंग कर रहे हैं वो है सर्कल। तो आए हम डिफरेंट शेप्स को भी यूज़ करके बहुत सारी अच्छी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी स्केचेस को रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम सर्कल के ऊपर स्केचिंग करेंगे। तो सर्कल के ऊपर हम स्केचिंग करने के लिए सबसे पहले यूज़ करते हैं सिंपल पेंसिल। और सिंपल पेंसिल से सबसे पहले हम इस सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम डॉट्स लगा लेते हैं। अब हम इसको प्रॉपर इसको डिवाइड कर देते हैं डॉटेड लाइंस के थ्रू। इस तरीके से हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, आज हम इसके ऊपर जो रेडी करेंगे वो हमारा सीज़न होगा। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि हमारे जो सीजन्स में यूज़ होते हैं वो एक होता है हमारा क्लाउडी सीज़न, एक हमारा रेनी होता है, और एक हमारा क्लाउडी एंड रेनी होता है, एक हमारा सनी वेदर होता है, एंड एक हमारा स्नो वेदर होता है। ठीक, एक हमारा जो हमारे वेदर्स हैं उसको आज हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे। ठीक, यहाँ पर हम सनी वेदर को मेंटेन करते हैं। सबसे पहले हम इसका सन रेडी करते हैं। इसके लिए हम एक सिंपल सा सर्कल रेडी कर लेते हैं। और इसके साइडों पे इसकी डॉटेड लाइन्स जो थी हमारी, उसकी हेल्प से हम छोटे छोटे जो डैशेज हैं उनको हम लगाकर इसकी सूरज की शुओं के तौर पर इसको शो करेंगे। इस तरीके से हम इसका सन रेडी करेंगे। और अब हम दूसरी तरफ, ये सनी डे से रिलेट होगा। अभी जब हम इसको चॉक और पेंसिल के साथ इसको मेंटेन करते हैं तो हमारे ये प्रॉपर वे में फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सिंपल चॉक और सॉफ्ट चॉक और पेंसिल के साथ इसकी लेंथ को मेंटेन कर लेते हैं। ये हमने इसके बॉक्स को मेंटेन कर लिया। अब हम इसके सन को अब हम डैशेस को छोटे बड़े डैशेस हमने यहाँ पर इसके लगाए हैं। इस तरीके से हम इसकी, और हम इसके साइड पे भी थोड़े थोड़े से डैशेस की तौर पर हम इसकी डॉट्स को मेंटेन कर देते हैं।
कि हमने इसकी साइडों की, इसकी प्रॉपर्टीज से हमने इसकी फिलिंग कर दी, डिज़ाइनिंग थोड़ी सी हमने कर दी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट सीज़न की तरफ, और वो होगा हमारा थोड़ा सा स्नोई वेदर। तो हम स्नोई वेदर को थोड़ा सा हम नाइट व्यू से रिलेट कर देते हैं। तो इसका हम पहले बॉक्स मेंटेन कर लेते हैं सॉफ्ट चारकोल से। यहाँ पर हम इसका क्रिसेंट एक रेडी करते हैं। अब हम इसकी यहाँ पर स्नो के छोटे छोटे से सर्कल्स को डिफरेंट जगह पे लगा देते हैं। इस तरीके से हमने इसके डिफरेंट सर्कल्स लगा दिए। अब हम इसके चारकोल पेंसिल से, जो सॉफ्ट चारकोल है, बाकी सारी जगह को फिल कर देंगे, लेकिन हम सर्कल्स को की जगह से वाइट वाइट पोर्शन को अपना छोड़ देंगे। पहले हम इसके साइडों से फिलिंग दे देते हैं। हार्ड चारकोल से हम सारे सर्कल्स की आउटलाइन करेंगे प्रॉपर वे में। तो ये हमने हार्ड चारकोल से इसके सर्कल्स रेडी कर ली। अब हम बाकी इसकी फिलिंग सॉफ्ट चारकोल से कर देते हैं।
इस तरीके से हमने इसकी ये चीज़ रेडी कर ली। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट को हम सिंपली एक माउंटेन की शेप दे देते हैं। इस तरीके से हमने इसको माउंटेन की शेप दी। अब हम इसे डार्क पेंसिल से ही इसको आउटलाइनिंग करेंगे इसकी। तो ये हमने इसकी शेडिंग कर दी। अब हम इसी के ऊपर इसको फिंगर की हेल्प से इसको थोड़ा सा ब्लेंड करते हैं कलर को दोनों साइडों पे। इस तरीके से हमने इसको ब्लेंड किया। अब हम सॉफ्ट चारकोल से अंदर की तरफ थोड़े से माउंटेन के लास्ट में हम एक दफ़ा फिर से इसकी आउटलाइनिंग करेंगे। तो ये हमारे सर्कल के अंदर हमारी डे नाइट का व्यू भी रेडी हो गया ऑन माउंटेन। अब हम इसकी सर्कल को एक दफ़ा लास्ट टाइम इसको हम स्केच मार्कर के साथ इसकी आउटलाइनिंग कर देंगे। तो ये हमारा सर्कल के अंदर हमारी स्केच, बहुत खूबसूरत सा स्केच रेडी हो गया। आई होप आपको भी ये स्टूडेंट्स न्यू एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको ट्राई करें, इसको अटेम्प्ट करें और हमसे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।